इसके बाद महारानी शत्रुपा ने दहेज भी दिया, ऐसा इतनी भी सिंपल नहीं की, दहेज दिया। रूपा जी कहते हैं कि दहेज प्रथा गलत नहीं है, इसको काट देना है रिकॉर्डिंग से। रूपा जी कहते हैं कि दहेज प्रथा गलत नहीं है, वो बात अलग है कि आज के डेट में उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दहेज प्रथा मतलब ये है कि माता पिता अपनी स्वेच्छा से अपनी पुत्री को साथ में कुछ उपहार देते हैं जो उनकी क्षमता है, ये नहीं कि डिमांड है छह पहिए की ही चाहिए गाड़ी, नहीं ऐसा नहीं, डिमांड नहीं। प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि अगर माता पिता सक्षम ना हो तो फल दे के भी विदा कर सकते हैं, वो भी दहेज है, लड़के को उसमें खुश वही उसके लिए दहेज है। अगर माता पिता सक्षम नहीं है तो फल दे के वही दहेज विदा कर सकते हैं। तो इसके बाद उनका विवाह हो गया, दोनों अपना महाराजा मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा बहुत रोए अपनी पुत्री का, उन्हें शादी के समय विदा के समय बड़ा दुख हुआ, बहुत रोए। शत्रुपा बड़े नम उनकी आंखें थी, दुखी थे, साथ ही साथ प्रसन्न भी थे कि उनकी पुत्री को इतना अच्छा भगवान कृष्ण का भक्त लड़का शादी में मिला। इसके बाद दोनों अपना अपने धाम बरहिष्मती, उनकी जो राजधानी का नाम है बरहिष्मती, तो बरहिष्मती के लिए वापस अपने रथ पे बैठ के जाने लगे। रास्ते में कई ऋषि मुनियों के आश्रम मिलते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो उनकी अच्छा जो भगवान वराहदेव के जहाँ बाल गिरे थे वही नगर है बरहिष्मती, तो बरहिष्मती नगर का भी थोड़ा वर्णन आता है कि अपने पुत्री को विदा करके जब वापस गए अपने नगर, तो कहते हैं यहाँ पे वर्णन आता है कि शंभू मनु की नगरी बरहिष्मती में तीन तरह के जो ताप होते हैं एक भी नहीं था, यानी कि तीन तरह के जो कष्ट हो सकते हैं दैहिक दैविक भौतिक, तीनों तरह के कष्टों से मुक्त थी वो नगरी, किसकी मनु की, ठीक है। तो उस नगर में कोई कष्ट नहीं था, क्यों, क्योंकि स्वयंभू मनु वहां के राजा थे और इनके राज्य में रोज सुबह सुबह हर दिन प्रतिदिन रोज सुबह सुबह गंधर्व और बड़े बड़े सिंगर लोग गायक लोग आके डेली महाराजा मनु का गुणगान करते थे रोज। वो किसका गुणगान करते थे, महाराजा मनु का। पर महाराजा मनु रोज सुबह भागवतम पढ़ते थे सुनते थे रोज, ये उनका रोज का काम था कि रोज सुबह वो भागवतम सुनते थे। श्रवण कीर्तन उनके राज्य में हमेशा होता था, भागवत श्रवण हमेशा होता था, इस वजह से महाराजा मनु की नगरी में जो थी बरहिष्मती वो तीनों तापों से मुक्त थी। जहां भी श्रवण कीर्तन होगा भागवत श्रवण होगा वो वहां पे कोई कष्ट नहीं रहेगा। इसके बाद आगे प्रश्न आता है कि ठीक है इधर तो हो गया, उस लड़की की शादी हुई तो आगे क्या होगा, तो कहते हैं कि विवाह के बाद माता देवती अपने पति की सेवा करना उन्होंने जब शुरू किया तो इस तरीके से सेवा की, इसका बड़ा वर्णन है देवती का डिटेल में, माता देवती
यहाँ तक कि इतने बड़े राजा के पुत्री होने के बावजूद भी उनको 1% भी इस बात का गर्व नहीं था कि मैं इतने बड़े राजा की पुत्री हूँ। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित कोविदा नित्यम भवानीव भवम प्रभु। जिस भवानीव भवम प्रभु, भवानी कौन? भवानी पार्वती और भव शंकर। तो जिस तरीके से भवानी शंकर की सेवा करती हैं, उसी तरीके से देवहूति ने कर्दम जी की सेवा की। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो तुलना यहाँ मैत्रेय ऋषि कर रहे हैं भवानी की और शंकर जी की, कर्दम और देवहूति से बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि माता पार्वती भी एक राजा की पुत्री है हिमालय की, और राजकुमारी होने के बावजूद भी उन्होंने एक किसको अपना पति बनाया, जिसका ना घर ना कपड़े पहनने का तरीका, लोग भी अच्छे नहीं उसके साथ के, कपड़े भी अच्छे नहीं, पता नहीं सर्प लगाया हुआ है क्या क्या लगाया हुआ है ऐसे व्यक्ति को, पर क्या देखते हुए कि वो वैष्णवाना में था संपूर्ण, वो वैष्णव है ये मान के पार्वती जी ने उनसे विवाह किया है। उसी तरीके से देवहूति ने कर्दम जी से विवाह किया हुआ है। तो देवहूति के कई गुणों का वर्णन आ रहा है। पहला है साध्वी, बहुत पतिव्रता थी। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, अपने माता पिता के जाने के बाद उस साध्वी ने, साध्वी से संबोधित कर रहे हैं, पतिम इंगित कोविदा, पतिम इंगित कोविदा लोकल लैंग्वेज में समझो जहां उंगली कर दे वहीं बैठती थी, पति की इच्छा को समझने वाली। कई स्तर होते, सबसे श्रेष्ठ स्तर होता है कि बिना बोले समझ जाए। रूपा जी कहते हैं कि जो शिष्य है वो ऐसे होने चाहिए कि गुरु के बिना बोले उनकी इच्छा को समझ जाए, वो सर्वश्रेष्ठ शिष्य होता है। सर्वश्रेष्ठ पुत्र वो होता है जो पिता की बोले बिना समझ जाए कि पिता मेरे क्या चाहते हैं। दूसरा स्तर है बोलेंगे तब करेगा, तीसरा स्तर है बार बार बोलेंगे तब भी नहीं करेगा, है ना। तो उसी तरीके से पत्नी के लिए बताया कि वो पति की इच्छा को समझ जाते हैं, पति इंगित कोविदा समझ जाती थी। और जिस तरीके से भवानी ने शंकर जी की सेवा करी, उस तरीके से उन्होंने कर्दम जी की सेवा की, नित्यम हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती थी। विश्रम्भेण आत्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सहोदरेण वाचा मधुरया च भो। ये और इम्पोर्टेंट है, विश्रम्भेण माने होता है इंटीमेसी के साथ, कैसे बोलेंगे, उन्होंने उनके बीच में बड़ा प्रेम था, ठीक है, और साथ ही साथ मन आत्म शौचीन है, मन और शरीर से हमेशा शुद्ध रहती थी, उनका मन चेतना हमेशा शुद्ध रहता था, किनका, ठीक है। और तीसरा, इस श्लोक में तीसरा गुण क्या आ रहा है? पहला हो गया विश्रम्भेण माने इंटीमेसी, प्रेम बहुत अच्छा था, आत्म शौचीन अपने मन और आत्मा शरीर की शुद्धि थी। तीसरा गौरवेण सम्मान बहुत देती थी। प्रभुपाद जी डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन थोड़ा मुश्किल होता है, अति परिचय अवज्ञा, जहां ज्यादा प्रेम हो गया वहां पे क्या होता है, अवज्ञा चालू हो जाती है। प्रेम तो बहुत है आजकल, ऐसा देखने को मिलता है कहीं पे प्रेम बहुत है संबंधों में, और उतना प्रेम है कि अवज्ञा हो रही है, रिश्तों की भी अवज्ञा हो जाती है, कौन बड़ा है कौन छोटा है कोई फर्क नहीं, कोई लिहाज नहीं। प्रेम तो है लेकिन वो बड़े छोटे का लिहाज खत्म हो गया, बड़ा भाई छोटे भाई से कैसे भी बोलता है, पत्नी पति से कैसे भी बोलती है, तो हमारा प्रेम बहुत है ना।
बच्चे माता पिता से कैसे भी बोलते हैं, हमारा प्रेम है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा यहाँ पे देवती ऐसा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रही है, प्रेम के साथ साथ गौरव है ना, सम्मान भी है। तो ये बैलेंस कर पाना बहुत टफ है, क्यों, कहीं कहीं इतना सम्मान है कि प्रेम ही नहीं है, कोई सम्मान ही है ना, दूर से ही प्रणाम है, बातचीत ही नहीं हो रही, इतना सम्मान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर दोनों के बीच में इस तरह से सम्मान है बातचीत, और शुश्रूषा जो सेवा करती थी कैसे करती थी, सौहृद प्रेम के साथ सेवा करती थी, वाचा मधुरया चपो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, वाचा मधुरया, मीठे शब्दों में बोलती थी। रूपाची तात्पर्य में लिखते हैं आगे कि पति हो सकता है पूरा दिन घूमता रहे बिजनेस के काम से, ऑफिस जॉब के काम से, वो पता नहीं क्या क्या टेंशन लेके आता है, तो कम से कम पत्नी को उसके आने पर मीठे शब्दों से तो बात करना चाहिए। विसृज कामं दम्भं च द्वेषं लोभं मदं मदं अप्रमत्तुद्यता नित्यं तेजयां संतोषयत्। उन्होंने माता देवती ने विसृज छोड़ दिया, क्या, कामं, काम की इच्छा, दम्भं अभिमान, दम्भ किस बात का हो सकता है यहाँ पे, कि मैं तो राजा की बेटी हूं, अरे तुम्हें क्या पता हमारे घर में तो 400 लीटर का फ्रिज है, तुम्हारे यहां तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता हमारे पापा क्या, ये आईफोन से अलावा मैंने कभी बात नहीं की तुम्हारे पास, तो सी फोन भी नहीं है। रूपा जी कहते हैं कि जब किसी लड़की को अपने पिता का अभिमान होता है तो उसका वैवाहिक जीवन समझो गया, इसलिए माता पिता को भी इतना ज्यादा उसको वो अभिमान नहीं देना चाहिए। एक जोक आता था पहले कि तुम जा तो रही हो, नंबर लिया ना वहां वाले वकील चाचा का नंबर लिया, वहां वाले इंस्पेक्टर जो है अपने अंकल उनका नंबर लिया ना, सबका नंबर लिया कि नहीं, कुछ भी हो फोन घुमाने का, लड़की का भाई दूल्हे से कहता है एक बार आंख उठा के देखा ना, समझ लो मेरा ना उससे कनेक्शन है, इससे कनेक्शन है, ये है वो है, पैर तोड़ के पार्सल भेजूंगा। दूल्हा इतना डर गया कहता भाई जैसे तेरी बहन वैसे मेरी बहन, कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि दम्भ नहीं होना चाहिए कि मैं ये हूं वो हूं, तो माता देवती को एक भी अभिमान नहीं करना, किसी भी तरह का द्वेष ईर्ष्या नहीं, किसी भी तरह का लालच नहीं, द्वेषम लोभम अधम मदम, किसी भी तरह का मद घमंड कुछ नहीं, और हमेशा एक ही चीज सोचती थी तेजी या संतोष कि कैसे मैं अपने पति को संतुष्ट करूं। ये इसलिए है क्योंकि उनके पति शुद्ध भक्त है, कहीं को कोई गलत समझ ले। तो इस तरीके से माता देवती के चरित्र काफी विस्तार से है, और उसके बाद इन्होंने इतनी ज्यादा सेवा की, कई वर्षों तक सेवा की इस भाव से। अभी कुछ समय पहले हमने वर्णन सुना था उनकी सुंदरता के बारे में, तो इन्होंने इतनी सेवा की अपने शरीर की 1% भर ख्याल ना रखते हुए सिर्फ इस बात का ख्याल किया कि पति की इच्छा क्या है, बस इनके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि मेरे को पति को प्रसन्न करना है, बस और कोई उद्देश्य इसको करने के लिए इन्होंने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया। मतलब व्यक्ति कुछ नहीं तो अपने शरीर का तो ध्यान देता है, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, हमेशा उनके लिए जंगल से लकड़ी लाना या भवन के लिए तैयारी करना, जो कुछ भी जंगल में
कर्दम मुनि की जरूरत हो सकती है सब पूरी करने के लिए, ऐसी स्थिति आ गई कि कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां वृतचरेया प्रेम गदगदया वाचा पीड़िता कृपया वरवीति। इनका जो शरीर था वो पूरी तरीके से छीड़ हो गया, चुरिया आ गई, पता नहीं मतलब पूरी तरीके से, इतनी सुंदर होने के बाद, राजकुमारी होने के बावजूद इनका शरीर बिल्कुल छीड़ हो गया, दुर्बल हो गया, एक वृद्ध स्त्री के जैसे दिखने लगे। कौन? ठीक है, तो इस तरीके से देवहूति माता की सेवा से प्रसन्न होकर उनके पति ने बोला कर्दम वाचा तुष्टो हम अद्यतव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नाम यमतीव सुहृत् देहो नावेक्षिता समुचितं चक्तुम पदार्थे। हे देवी तुष्टो हम, मैं आपकी सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ। आपने अपने शरीर की ख्याल ना करते हुए मेरी हर इच्छा, मेरी हर जरूरत का ख्याल किया, इस तरीके से आपने मेरी सेवा की, इस बात से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और इसलिए, किस लिए? क्योंकि आपने इतनी सेवा की, इसलिए। अब ये सेवा क्यों करते थे? क्योंकि वो भगवान की सेवा करते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं यही सही सिस्टम है गृहस्थ आश्रम का, पत्नी पति की सेवा करे, पति कृष्ण की सेवा करे, पत्नी पति पर निर्भर हो, पति कृष्ण पर निर्भर हो, ये है आदर्श वैवाहिक गृहस्थ आश्रम। तो कर्दम मुनि कहते हैं कि मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं और इतने वर्षों में मैंने भगवान की भक्ति करके जो कुछ प्राप्त किया है वो मैं आपको दे दूंगा। तानेव ते मदनु सेवनाय अवरुद्धान दृष्टिम प्रपश्यवित राम भयान शोकान। ऐसी चीज मैं आपको दूंगा जिससे क्या हो जाएगा, आपका भय और शोक दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भय और शोक दोनों खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्या देने वाले हैं? भय और शोक किससे खत्म होता है? अभय चरण से। भजउरे मन अभय चरणा रविंद्रे। इसलिए हमारे लोगों का सब भय शोक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद की शरण में हमें श्री प्रभुपाद की। इसलिए कर्दम मुनि कहते हैं कि मैंने भक्ति करके वो चीज, कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण प्रेम जो मैंने प्राप्त किया है जिससे कि सारे भय शोक नष्ट हो जाते हैं, वो भय शोक नष्ट करने वाली चीज मैं आपको दूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसीलिए पत्नी को बस सेवा करते रहना पति, क्यों? क्योंकि पति तो कृष्ण भक्त है, तो एक दिन वो जो कृष्ण प्रेम उसको मिलेगा वो आपको बस ऐसे ही मिल जाएगा। आप गिरिराज गए कोई गोवर्धन, गोवर्धन देखा ना, पति दंडवत परिक्रमा करता है, वो लेटता है, खड़ा होता है, पत्नी उसका वो मैट रहता है ना वो आगे रख देती है, हवा करती है, वो दंडवत करता है, उसके पैर छूती है, उसका उतने में हो जाता है। सिंपल है। वैदिक सभ्यता में माताओं के लिए बहुत सिंपल लाइफ है, टेंशन नहीं, सब पति करेंगे और आपको एक दिन पूरा परिणाम मिल जाएगा। पति जो पुण्य करेगा आपको 50% मिलेगा, पति जो पाप करेगा 100% अपने पास रखेगा, पत्नी को जो पुण्य करेगी 100% अपने पास रखेगी, पाप करेगी 50% पति को जाएगा। कितना अच्छा सिस्टम है। और आज के लोग बोलते हैं कि वैदिक सभ्यता में महिलाओं को नीचे दिखाया, कहाँ नीचे दिखाया भाई, ये तो एक्स्ट्रा 50% रिजर्वेशन भाई, भारत सरकार ने 33% दिया, हमें नहीं समझा रहे कौन महान काम किया, वो 33 दिया हम 50 दे रहे हैं। तो
कर्द मुनि कहते हैं कि मैं तुम्हें वो दे देगा। इसके बाद कर्द मुनि इस तरह से उनकी प्रसन्न होके उनको भगवत प्रेम देने वाले हैं, लेकिन इस तरीके से देवहूति कुछ प्रसन्न नहीं लग रही है ना। उनको पता है कि उनके पति सक्षम हैं, कुछ भी दे सकते हैं, और वो भोली वाली थी, संतुष्ट थी, है ना। थोड़ा उनको उन्होंने कहा कि देवती कहती है कि आप तो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, मैं जानती हूँ कि आपने भगवान की भक्ति करके सब पूर्ण जो मनुष्य जीवन की जो पूर्णता है उसको प्राप्त कर लिया है और आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे इस समय जो देना चाहते हैं, अब उनको समझ में पता नहीं आया कि नहीं कि क्या देने वाले हैं, पर इस समय उनकी इच्छा कुछ और है। तो वो कर्दम जी यहाँ पे कुछ बहुत हाई लेवल बात कर रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं हो सकता? भगवान का प्लान है, देव इच्छा है, इसलिए ऐसा देवती ने पूछा। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि वो उनका कुछ वैसा था या वो नहीं, बहुत शुद्ध चेतना वाली है, ठीक है, पर देव इच्छा है और भगवान स्वयं बोले हैं कि मुझे अवतार लेना है, इसलिए देवती ऐसा बोली है कि हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, आपने पूर्णता को प्राप्त किया हुआ है, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि आपने शादी के समय एक प्रॉमिस किया था कि हर करवा चौथ पे नई साड़ी दूंगा, है कि नहीं? तो कहते हैं आपने शादी के समय प्रॉमिस किया था कि मुझे संतान देंगे, है कि नहीं? और कहते हैं माता देवती की एक पतिव्रता स्त्री की जब उनके कोई संतान होती है तो वो सुशोभित हो जाती है, ये उनका उनकी जो गुणगान है वो बढ़ जाता है, स्त्री का गुणगान बढ़ जाता है जब वो माँ बन जाती है। इसलिए वैदिक सभ्यता में बचपन से ही लड़की को यही शिक्षा दी जाती थी कि तुम्हें एक तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको माँ बनना। जैसे साउथ इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में तो लग रहा है खत्म हो गया, साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो जो अभी भी जो गांव में लोकल कल्चर है ना, तो छोटी छोटी जो लड़कियां हैं उनको माँ, कभी माँ भी बुला देते घर वाले। हमारे यहाँ भी होता था, बेटी को माँ के जैसा दर्जा दिया जाता है, तो उनको ये सिखाया जाता है और उनको ये विचार दिया जाता है बचपन से, तो उनके मन में ये रहता है कि उनको एक दिन माँ की उपाधि धारण करनी है, तो अपना बचपन से ही मन सेट कर देती है ना। तो जैसी शादी होती थी तो उसको पता है ना, और इसलिए वो चाहती है कि ये सब हो, ये सब भाव से अगर लड़कियों का पालन पोषण हो तो वैवाहिक जीवन अच्छे से चल रहा है। तो देवती कहती हैं कि आपने प्रॉमिस किया था और उसको आप पूरा कीजिए। मैं तो इन भावनाओं में फंसी हुई हूँ और आप अपने हिसाब से व्यवस्था कीजिए। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कीजिए, और आप तो जानते हैं जब संतान होगी तो एक घर की भी जरूरत पड़ेगी। अभी तक इतने सालों तक कुछ भी नहीं मांगा है, ये टेक्निक है, जब तक इतना सेवा किया कि वो खुद प्रसन्न हो गए और आज कहते हैं कि मैं जो मांगेंगे आप दूंगा। तो कहते हैं संतान भी होना चाहिए और संतान है तो घर भी होना चाहिए। तो क्योंकि अभी तक तो कुटिया में चल रहा था तो घर बनाओ। तब मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि इस तरीके से अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए
कर्दम मुनि ने फिर आगे का अरेंजमेंट शुरू किया। तो इस तरीके से माता देवती चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि एक घर की व्यवस्था कीजिए और संतान, और आप जानते हैं कि वैवाहिक जीवन के लिए जो सुयोग्य जो शरीर है, चूंकि मेरा शरीर इस तरह से क्षीण हो गया है, तो आप अपनी योग सिद्धियों से जैसा आपको उचित लगे वैसा जो व्यवस्था कीजिए। तो अभी तक कर्दम जी कुटिया में रहते थे। ये कर्दम मुनि की विशेष महानता यहाँ पे है कि जब इन्होंने ये देखा कि उनकी पत्नी इस समय भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए एकदम से तैयार नहीं है, पर अभी कुछ इच्छाएं वो और कर रहे हैं, तो माता देवती की इच्छा को समझते हुए कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से एक उड़न महल, क्या से बोलिए उसको, एयरप्लेन, ऐसा एक महल जो उड़ सकता था, ऐसा एक महल उन्होंने बनाया। क्या बोल सकते हैं, उड़न महल, उड़न खटोला, हवा महल, हवा महल अच्छा लग रहा है। इस तरह से एक हवा महल उन्होंने बनाया, जो जिस हवा महल वो समझ जाता था कि आपकी इच्छा क्या है, उसको कहने की जरूरत नहीं है कि हमें कहां जाना है, अपने आप वो समझ जाएगा कि इस घर में रहने वालों को कहां जाना है, वहां वो जाता है। ऐसा एक हवा महल है और उसकी सुंदरता में तो कई श्लोक है उस महल के वर्णन में, ऐसे ऐसे रत्न उसके खंभों में जड़े हुए थे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते और हमने तो नाम भी नहीं सुने। इतना सुंदर सब कुछ उसके अंदर, सब कुछ, स्विमिंग पूल उसके अंदर, बेड, बेडरूम, कार, आप जो कुछ हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा महल। यहां तक कि ऐसा वर्णन आता है कि देवता भी उस महल को देख के चौंक गए कि किसका महल है। अब आप देखिए, भक्त ये होते हैं, उनके पास क्षमता थी, कर्दम मुनि के पास क्षमता थी कि वे इतना बड़ा महल बना के रह सकते थे, लेकिन नहीं, सादा जीवन चर्चा। लेकिन अभी पत्नी ने अपनी सेवा की है उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए, है ना, तो पति को चाहिए कि वो जिसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा है, इसलिए कहते समान सीम गुण के होने चाहिए। अब पत्नी ने हद तक सेवा कर दी, पता चला कि पति उसकी इच्छा पूर्ति करने में सक्षम नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए कर्दम मुनि ने ऐसा महल बनाया कि देवता भी चौंक गए थे और वो इच्छा को समझ के उड़ने वाला है। तो इतना भव्य महल माता देवती के सामने जब प्रकट हुआ, कर्दम मुनि ने देवती की तरफ देखा तो जाहिर सी बात है कुछ एक्सपेक्ट किया होगा कि कुछ तो तारीफ करें, लेकिन उनका चेहरा देख के वो समझ गए कि कुछ तो उदास है। वो अब इतना बड़ा काम कर दिया पति ने, तो कुछ तो सुनाई देनी पड़ेगी ना। तो देवती कुछ तो हंस रही थी, पर कर्दम मुनि समझ गए कि कहां पे कमी रह गई है। तो कर्दम मुनि ने कुछ बोला नहीं कि क्यों आप थोड़ा सा उदास हो। उनका देवी आप जो है बिंदु सरोवर में जाके स्नान करके आइए। बात किया थी कि देवती को लग रहा था कि इतना बड़ा महल तो बना दिया, इस महल को आनंद लेने के लिए मेरा शरीर भी तो वैसा होना चाहिए, मैं तो दुर्बल वृद्ध शरीर जैसे हूं। तो क्योंकि देवती को खुद भी आइडिया नहीं था कि उनके पति में इतनी तक शक्ति है। अरे कहते हैं कि कर्दम मुनि को भी खुद आइडिया नहीं था कि इतना महान महल वो बना सकते हैं, है ना। तो जैसे ही देवती उनको समझा यहाँ पे क्या है, इतनी पति बताया कि कोई क्वेश्चन नहीं, उन्होंने कहा बिंदु सरोवर में स्नान की जो चली गई,
यहाँ पर कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हो कि आप क्यों उदास है, मैं इसलिए उदास हूँ, अच्छा नहीं कैसे जाओ, ऐसा समझ नहीं, कुछ नहीं, वो समझ गए अपने आप, इसे कहते इंटीमेसी, वो समझ गए पत्नी पति की इच्छा को समझ रही है बिना कहे, पति पत्नी की इच्छा को समझ रहा है बिना कहे, उन्होंने कहा आप बिंदु सरोवर में जाइए स्नान कीजिए, माता देवती बिंदु सरोवर में स्नान करती है, अंदर देखती तो पूरा राधिका ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, पूरा ब्यूटी पार्लर, हजारों हजारों वहां पे उनकी सेवा के लिए सेविकाएं हैं, एकदम से वो जैसे देवती आई एकदम से खड़ी हुई, और उन्होंने पूरा जो दुल्हन का जो मेकअप होता है ना, पूरा माता देवती को, ऐसा नहीं कि ऊपर से पेंटिंग पेंटिंग किया है ना, ओरिजिनल। और उसके बाद पूरा उनको, उनका शरीर बिल्कुल जैसे वो थी, जैसा वर्णन हमने शुरू में सुना वैसे ही हो गई। और उसके बाद वो दर्पण था वहां पे, अभी सब पानी के अंदर जोड़ा है बिंदु सरोवर के अंदर, उस दर्पण में गर्दन मुनि की इतनी योग शक्ति है, उस दर्पण में जब माता देवती अपने आप को देखती हैं तो अपनी सुंदरता को देख के उनको एकदम से अपने पति का ध्यान आता है कि मेरे पति इस सुंदरता को देखें, ऐसा विचार आया कि वो अपने पति के सामने थे, ये गर्दन मुनि की योग शक्ति है, हल्का फलका आदमी नहीं है। तो जैसे उसके विचार आया कि इस सुंदरता के साथ तो मुझे अपने पत्नी पति के सामने होना चाहिए, तुरंत वो अपने पति के सामने थी, और फिर कर्दम और देवती, कर्दम देवती माता से कहते हैं देवी चलिए, और फिर वो उनको लेके बिहार के लिए गए हैं, पूरा अनेक अनेक लोगों में मेरु पर्वत की चोटियों के ऊपर, मेरु पर्वत क्या है मैं तो समझता नहीं ना, तो पांच मिनट करने आएगा, लेकिन समझने के लिए बता दें कि ऐसे ऐसे जगह वो लेके गए ब्रह्मांड में कि देवता भी देख रहे थे, उनके स्वर्ग के सामने से निकल रहा है जहाज, और देवती और कर्दम विहार कर रहे हैं, तो जो गंधर्व हैं अप्सराएं हैं सबको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, हिंदी में कैसे कहते हैं, उनको ये लगने लगा कि हमारा ऐसा होना चाहिए, हीन भावना, सब पता है हीन भावना कि देवता लोग कह रहे हैं इतना बड़ा विमान किसका है, ऐसे ऐसे हजारों हजारों वर्षों तक कर्दम देवती ने इस तरीके से उस हवा महल में विहार किया, और उसके बाद वो पूरा घुमाने के बाद उनको लेके आए आश्रम वापस गए, और इस तरीके से जब पूरा विहार करने के बाद वो अपने आश्रम में वापस आ गए, उसके बाद कर्दम ने माता देवती की जो इच्छा थी उसको पूरा किया, और उनको 9 पुत्रियों उनको उनकी संतान के रूप में दिया, कितनी पुत्री हुई उनकी देवती की 9 पुत्री हुई। तो उसके बाद अब देवती ने कहा था कि भाई आपने एक शर्त प्रॉमिस किया था उसको पूरा कीजिए, तो कर्दम मुनि ने तो इस तरीके से पूरा किया कि कोई शायद कर पाए कभी, अब उनको पूरा घुमा भी दिया, उनकी उनको 9 संतान भी दे दी। इसके बाद कर्दम मुनि कहते हैं कि आपका प्रॉमिस पूर्ण हो गया, अब समय आ गया किसका, मेरी शर्त का, क्योंकि शर्त क्या थी, शर्त थी कि जैसे ही संतान होगी मैं सन्यास धारण करूंगा। तो कुछ कह के हम तो जा रहे, अब देवती को टेंशन हुआ कि दुख हुआ, तो इसलिए इस
अध्याय का नाम है देवती का शोक। हम के सात आठ श्लोक में ही देवती का शोक का वर्णन है, बाकी ये सब कथा आ रही थी पर रूपा जी ने इसको नाम यही दिया देवती का शोक। तो देवती इस समय बिल्कुल करुणा से डर गई और अब देवती को याद आया कि मेरे पति मुझे क्या देने वाले थे और मैंने क्या मांग लिया और कितना बड़ा अपना नुकसान चला लिया। वो हमें भगवत प्रेम देने वाले थे। देवती माता कहती हैं अब कि आप तो जा रहे हैं और ये नौ पुत्रियां हैं यहाँ, ये शादी करके अपने अपने घर जाएंगी, फिर मैं अकेली क्या करूंगी, तुम्हें भयभीत हूं और आप मुझे अभय प्रदान कर रहे हो, अभय डाउनलोड नहीं लिया। तो माता देवती कहती कि आप जाग तो रहे हैं लेकिन मुझे आप क्या दें, अभय प्रदान करें। तो वही अभय वो देने वाले थे इस समय। तो इस समय देवती कहती है कि आप हमें अभय प्रदान करें, मैं क्या करूंगी। तो करदम कहते हैं कि आप शोक ना करें, आप परेशान ना हो और शीघ्र ही अभय प्रदान करें, माने मुझे एक पुत्र दें, क्योंकि पुत्रियां तो अपने घर चली जाएंगी, पुत्र रहेगा। अब जैसे बताया कि वैदिक सभ्यता के हिसाब से पति को तो संन्यास लेना है ना। ऋषभदेव कहते हैं कि 50 साल होने के बाद ही मस्ट गो, वो जाना है, जाना ही चाहिए, 50 साल होने के बाद घर छोड़ना ही छोड़ दो। तो वो तो जा रहे हैं संन्यास लेने, अब पुत्र नहीं है तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा, तो कहते हैं हमें पुत्र चाहिए। तो कदम जी कहते हैं आप परेशान ना हो, शोक ना करें और शीघ्र ही भगवान स्वयं आपके पुत्र के रूप में आएंगे। तो वहीं फिर कुछ समय वो रुके, उसके बाद भगवान स्वयं कपिल देव के रूप में माता देवती के गर्भ से प्रकट हुए। भगवान कपिल देव की जय। इसके बाद कपिल देव का जन्म हुआ। भगवान कपिल फिर जन्म के बाद करदम जी ने एकांत में जाके कपिल देव के सामने, वो कौन है उनके पुत्र है इसलिए सबके सामने नहीं, एकांत में जाके जब वो अकेले थे वहां जाके उनको प्रणाम किया, उनकी प्रतीक्षा की और उनसे रिक्वेस्ट किया, उनकी प्रार्थना करी, स्तुति करी, उनके पुत्र ऐसे तो इसलिए एकांत में उनकी स्तुति की और उनसे आज्ञा मांगी कि हे भगवान आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं संन्यास के लिए जा रहा हूं। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि करदम जी को भगवान ने स्वयं दर्शन दिया, स्वयं उनको वरदान दिया कि हम आपके पुत्र बन के आएंगे, इतना प्रसन्न है भगवान, और आज तो ये हो गया कि स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में उनके घर में स्वयं बैठे हैं, फिर आपको संन्यास लेने की जरूरत क्या है। अरे संन्यास लेके आप जिसको ढूंढने जा रहे हो वो तो घर में बैठे, तो संन्यास लेके करेंगे। प्रभुपाद जी ये सब जगह भागवतम में ऐसी आती हैं बहुत सारी जगह, क्योंकि समय कम है इसलिए हम बहुत शॉर्ट में जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इस जगह है जहाँ पे अगर हम प्रभुपाद के तात्पर्य को नहीं पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आता कि सब क्यों हो रहा है। भगवान घर में है, आप संन्यास लेके जा रहे हो, ऐसा क्यों? प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा इसलिए कि वो जो एक सिस्टम है समाज का, करदम जी उसको स्थापित करना चाहते हैं कि ऐसा हो, सब लोग इसको अपनाएं। इसलिए यहां तक कि भगवान है फिर भी वो संन्यास नहीं है, ठीक है, और इसलिए कपिल भगवान स्वयं उनको आदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ठीक है आप जाइए। दूसरा
एक और आचार्य इस पर बताते हैं कि चूंकि कर्दम मुनि भगवान को दास भाव में सेवा करते हैं, अब वो पुत्र के रूप में आ गए तो उनको शायद ऐसा लगे कि कहीं उनका भाव ना बदल जाए, क्योंकि दास भाव में सेवा करते थे अब वात्सल्य में हो जाएगा। तो भक्त का क्या होता है कि वो जिस भाव में भगवान की सेवा करता है वो उसी में करना चाहता है। तो इसलिए जब कोई ये कहेगा, कभी कभी सुनने में आएगा जैसे कि दास भाव वाले छोटे हैं, वात्सल्य भाव वाले बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो दास भाव में है वो हमेशा दास ही रहना चाहता है, वो उसमें ही प्रसन्न रहता है। जो वात्सल्य में है माता यशोदा वो उसी में प्रसन्न है, जो माधुर्य में है वो उसमें ही प्रसन्न है, जो जिस भाव में भगवान की सेवा कर रहा है वो उसमें ही प्रसन्न है। इसलिए कर्दम जी वन को स्नान किए। इसके बाद कपिल देव भगवान से माता देवी जो है प्रश्न करती है, जिस को हम कल कहेंगे, समय हो गया। श्री प्रभुपाद की जय।